So hey guys and welcome back to another exciting episode of Revision Podcast. तो भाई आज community का सबसे बड़ा collab होने वाला है मतलब एक से भड़कर एक जितने भी मेरे भाई हैं भाई सब यहाँ पे लेके आ चुके हैं अपने डंडे मतलब भाई यहाँ पे हम डंडे गाड़ देंगे यहाँ पे मेरे साथ है भाई community के सबसे बड़े बड़े बादशाह लोग हैं हमारे साथ है रेस्लिंग हिंदी न्यूज से नन अदर देन रोहन रेस्लिंग फैंस नेटवर्क से अंकित नॉर्मी रेसलिंग से हमारे साथ है पंकज एंड जय और मैं तो है ही भाई हमेशा के तरह तो आज के पॉडकास्ट को चालू करते हैं एक एक करके सबसे वर्ड लेंगे भाई छोटे छोटे वर्ड्स देना यार बताओ चलो अंकित भाई से चालू करते हैं अंकित भाई कैसा लग रहा है आके मजा आ रहा है बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे अच्छी बात यह लगी कि तुमने रेसलिंग फैंस नेटवर्क बोला मुझे लगा फिर से रीसूट करना पड़ेगा कहीं डब्ल्यू डब्ल्यू फैंस नेटवर्क बोलते तो मेरे लिए अच्छी बात है भाई कि मैं इस पॉडकास्ट पे आ रहा हूँ Uh, क्योंकि मैंने लास्ट पॉडकास्ट देखा तुम लोगों का वो बहुत अच्छा गया और right. इसलिए मेरे लिए तो बहुत काफी बेटर है कि मैं यहाँ पे हूँ ताकि मुझे भी थोड़ा सा और फेम मिल जाए तो थैंक यू बुलाने <laughs> के लिए तुम लोगों का अरे भाई भाई, 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 भाई। रोहन प्रा कुछ बोलो भाई ना क्या अरे सही है बढ़िया है मस्त है तुम लोग बोलते तो तो लो पहली बार बात कर रहे हैं देखो हम लोग बात बहुत बार कर चुके हैं हम लोग की बात होती रहती है लेकिन जस्ट इस ऑलरेडी तो तो है ही नॉर्मी पाजी कुछ कह दो भाई शुरुआत के कुछ शब्द कह तो डिस्कशन तो करेंगे काफी अच्छा खासा रसल को लेकर ना और तो चालू करते है यार भाई भाई बिल्कुल भाई भाई और भाई आज भाई का अच्छा यार अच्छा आज का कॉम्बिनेशन देखो तीन हाईएस्ट पेड यूट्यूबर्स हमारी कम्युनिटी के विद टू लोएस्ट पेड यूट्यूबर्स कैसा कॉम्बिनेशन लोएस्ट पेड में मैं 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 ये, ये क्या था यस गाइस और अंकित पेड अच्छा मेरा एक रोहन भाई से क्वेश्चन था हमारी पहली बारी और हुई आ, इससे पहले हमने शायद एक दूसरे को कांग्रेट ही किया था ट्विटर पे उससे ज्यादा बात नहीं हो पाई थी तो अभी रोहन भाई ने आने में काफी लेट कर दिया ठीक है ये दस बजे की पॉडकास्ट हम ग्यारह बजे शूट करते हैं रात को ठीक है तो आ, सुनने में आया कि ये मंदिर गए थे तो मेरा क्वेश्चन था रोहन भाई आपसे कि ऐसा क्या मांगा <laughs> आ, रोहन अनफिल्ट पांच मिलियन सब्सक्राइबर आने वाले दो या तीन साल में हो जाए भाई ये झूठ है ये नहीं झूठ बोलता है, भाई। भाई भाई, है नैन <laughs> जैसी जिंदगी सबकी थोड़ी होती है वाले जो यूट्यूबर होते है ये ये भाई बोलते हैं कि हम दारे मंदिर पर जाते चाट पकौड़ा खाने अपनी सेटिंग के साथ तो भाई मैं भाई मैं छोटे भाई मैं छोटे से रूम में रहता हूँ क्या बातें कर रहे तू भाई ये छोटे से रूम में तो बड़े बड़े कांड हो रहे हैं तुम्हारे See? अच्छा <laughs> सही बात है भाई भाई कैसे लोग हैं यार ये भाई इसकी भक्ति कहीं और जा रही है आजकल पता नहीं है तुम्हें नॉर्मल भाई बहुत भक्ति इसकी कहीं और ही चल रही है आजकल ठीक है ना नैन तुम बहुत है। नैन बहुत एक्सपीरियंस क्यों लग रहा है भाई तू भाई सीरियस हूँ मैं क्योंकि <laughs>

ओके okay, मैं मैं ऑब्वियसली नाइट वन के लिए जॉन सीना का मैच अनाउंस है और कुछ कहाँ ही है नाउस मेन इवेंट एक है और बीच में तो पता ही नहीं कौन क्या होने वाला तो जॉन सीना के लिए मैच में मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई क्योंकि मुझे लगता है कि सो की स्टार्टिंग है सीना से सब सोच रहे हैं क्या पता थ्योरी जीतेगा लेकिन ट्रिपल एच स्टार्टिंग में डिसअपॉइंट करेगा ये भी मुझे थोड़ी गड़बड़ लगती है तो मुझे लगता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है इसलिए मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेन इवेंट काफ़ी ऑब्वियस नहीं है पता ही है कि रिजल्ट क्या होगा सेम ही के वो जीतेंगे तो इसलिए मैं इस मैच के लिए एक्साइटेड हूँ राइट ओके okay. तो रोहन भाई, तो भाई, तो भाई। बताओ देख भाई नाइट वन के लिए तो मेरे हिसाब से वो थ्योरी जीतेगा बिकॉज इट्स डाउन लेकिन क्या कैनोवन सैमीन करेंगे उसोस को, बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि कुछ लोग ऐसी थ्योरी भी है अगर आ, हारते हैं ऊसोस तो कहीं ना कहीं ब्लड लाइन जल्दी खत्म होने वाले तो बस मुझे ये देखना है क्या ऊसोस हारेंगे या फिर नहीं राइट right. वो बिट्रेल वाला एंगल हो सकता है कि जेउसो क्या मतलब अभी सेमी को साथ देंगे और फाइनली वो हो जाएगा कुछ बिट्रे कर सकते भाई मुझे तो लगता है ना कि अगर अगर उसो झारेंगे तो रोमन पक्का जीतेगा मुझे ये लगता है मैं मुझे ऐसा ही लगता है पॉजिटिव लगता है क्योंकि एक ही बार पूरी ब्लड लाइन नहीं कर सकते यार इतनी डाउन right. मुझे तो लगता है कि अगर उसो झारे रोमन जीतेगा बाकी नॉर्मी बताएगा ओके okay. अच्छा मैं भी अपना टेक कर सकता हूँ नाइट वन पे अच्छा मुझे बताओ मुझे श्योर नहीं है कि एजोर डेमन बैलर का जो मैच है वो नाइट टू पे करवा रही है डब्ल्यू डब्ल्यू या नाइट वन पे हो रहा है अभी पता पक्का नहीं है ना इसका अगर चलो उसकी तो श्योरिटी नहीं।, नहीं है तो फिर तो मैं बोलूँगा कि मैं भी ऊसा वर्सेस कैविन एंड सेमी के लिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि ऑब्वियसली जैसा अंकित ने बोला कि प्रडिक्टेबल है वैसे तो कि रिज़ल्ट क्या होने वाला है बट फिर भी थोड़ी एक्साइटमेंट है ना होता है ना कच्चा पक्का कि कुछ भी हो सकता है और वो मोमेंट देखना तो उस चीज़ के लिए अब नया बचा भाई एकसाथ तो एकसाथ मतलब पता है मैं किसके लिए वैसे तो मैं मामी वाला मैच के लिए भी एक्साइटेड हूँ मेरे को क्या क्या पहन क्या अल्टीमेट सिंप <laughs> मैं, मैं देखने का भाई और पता है तुम में से सालों तुम मानते नहीं हो पर तुम्हें भी अच्छा लगता है रोहन तो झूठ क्या भाई रोहन तो देखता है भाई मैं बहुत अलॉन्ग ना करूँ ना मैं मैच स्किप कर देता मैं सो जाता बैठ के बिस्तर पे अरे भाई कुछ नहीं एंट्रेंस तो तुम पूरी देखते हो यार भाई लग तो रहा है मेरे को कि शार्लेट से मैं धोखा करने वाला हूं पर जिस जिस मैच के लिए मैं एक्साइटेड हूँ मैं मैं भी भाई सेम ही के ओ वाले मैच के लिए एक्साइटेड हूँ बहुत सारे पिचेस सुनने को आ रहे हैं कि के ओ भी बिट्रे कर सकता है सेमी को क्योंकि जो सेमी को पुश मिल रहा है ना उसको मतलब डब्ल्यू डब्यू कैपिटलाइज करना चाह रही है क्योंकि अगर ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है मतलब सेमी का वो बेचारापना खत्म हो जाता है तो सेमी की हाइप लो हो जाएगी तो काफ़ी लोग ये भी पिच दे रहे हैं कि यहाँ पे ऊ का ना रेन कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि इवेंचुअली उन्हें जे ऊसो को स्ट्रांग बिल्ड करना है

मुझे मुझे लगता है कि बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस है कि दोनों रिलेटेबल हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ पे जे उसो मतलब कुछ भी ऐसा करता है तो हो सकता है कि यहाँ से सीट सोन हो जाए कि जे ऊसो मेन इवेंट के अंदर भी बिट्रे कर सकता है रोमन रेंस को और क्या पता है कि जे उसो ने ही करेक्टर चालू किया था अगर रोमन रेंस हार रहा है तो कि मतलब जे ऊ यहाँ पे एक वीक लिंक और जे उसो ही खत्म करे इस ट्राइवल चीफ वाले गेमिंग को तो मेरे हिसाब से कनेक्टेड तो है विन और लूज से कनेक्टेड तो कहीं ना कहीं रहेंगे क्योंकि ब्लड लाइन का फॉल जो एकदम से आएगा ना मतलब डब्ल्यू आपको एक ऐसे फेज में पहुंचा देगी जहाँ पे आपका दिमाग फट जाएगा कि ये अचानक से क्या हो गया

अट्रैक्शन uh, उसके लिए होती है कि हाँ भाई इसमें क्या होगा और वही अनप्रडिक्टेबल हो तो फिर ज़्यादा एक्साइटिंग लगती है चीज़ें अच्छा नेक्स्ट देखो एक चीज थी uh, बहुत ही दुख है एक सुपरस्टार के लिए अब जजमेंट डे के चार मेंबर्स तीन मेंबर्स रिया इपली डोमिनिक मिस्टीरियो फिन बैलर तीनों को कमाल कमाल के मैचेस मिले हैं डेम इन प्रीस्ट बेचारे दबे रह गए उनके उनके पास एक भी मैच नहीं रहे सलमेनिया में तो पहले तो हैश टैग सैड फॉर डेम कर दो यार कमेंट सेक्शन में और सभी अपना टेक बताओ यार कि क्यों क्यों ऐसा है क्यूं को नहीं मिला एक मैच रोहन रोहन अरे मैं नहीं बताऊंगा भाई मुझे नहीं पता इसका जवाब रोहन <laughs> से <चलो> <laughs> मुझे बंदा है तुमने भाई यहाँ पे अब रियल रीजन बताओ बात ये है मूवमेंट देना चाहिए बंदे को जजमेंट डे में इतने अच्छे काम कर रहा है बंदा

तब वो तो एंट्रेंस करेगा सिर्फ बैलर के साथ अरे हाँ, हाँ, हाँ। एंट्रेंस करेगा एक आधा मुक्का छुक्का मार लेगा बस मर आ रहा है ना भाई की क्रिश्चन केज या फिर हो सकता है कि वो हाँ भाई हाँ 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 हा। अपने अपने फादर के साथ मैच, के मैच में इन्वॉल्व तो है रियर इपली मतलब वो भी चैम्पियन बन ही जाएंगी मोस्ट प्रोबेबली और फिन बैलर का हेली मैच हो रहा है एज के अगेंस्ट पर डेमिन प्रीस्ट के पास मतलब कुछ भी नहीं है एक रैंडम रैंडम ऐसा नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे हिसाब से मोमेंट होना ज्यादा बेटर है रेसलमीया के अंदर क्योंकि रेसलमीनिया मोवमेंट ज्यादा लोग याद रखते हैं मैचेस से ज्यादा मूवमेंट हम्म हम्म अच्छा मैं एक 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 चीज याद आए मुझे अभी अंकित का दोगला निकालते हैं ठीक है पहले इस बंदे ने हाँ पहले बोला ये ट्वीट करता है यार क्या बेकार रिजल्ट मेरी आई पे इसकी तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा और अभी कल परसों से ट्वीट किया कि भाई क्या एक्साइटिंग रिजल्ट है मजा आ रहा बिल्कुल तो ये इस, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे समझ नहीं आया भाई कुछ बताओ थोड़ा पहले ब्लॉक मुझे कहना है इसके ऊपर मुझे कहना है या तुम लोगों को कहना है यस पे तुम्हें ही कहना है भाई हमें <laughs> कहना है अभी तेरे ऊपर रेंट चल रहा है भाई कि मतलब तुम अच्छा। इतने दोहरे आदमी क्यों हो भाई बता दो यार एस नीड ग्रोवर क्यों मैं तो? बताता हूं देखो हो तो तुम सब क्योंकि सबने वीडियो बनाई इसने रोहन ने भी बनाई नॉर्मी का नहीं पता इसने सनी बनाई तुमने भी बनाई है और भी लोगों ने बनाई है वीडियो

मतलब पहले बोल रहे थे कि भाई बड़ा बेकार होगा घटिया होगा ऐसा होगा वैसा होगा लेकिन अभी अभी मजा आ रहा है ना धीरे धीरे मजा आ रहा है नहीं भाई भाई मुझे नहीं आ रहा मजा इसमें मुझे नहीं आ रहा मजा भाई क्या पहले बोला की यार बेकार है बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया और थोड़ा उनकी कंफर्टेशन वगैरह देखी तो लग रहा है नहीं यार ठीक है एंटरटेनिंग टाइप मैच हो सकता है लाइक सैम वर्सेज ऑक्सिल से कोई उम्मीदें नहीं थी बट काफी अच्छा मैच निकल गया और वैसे ये मैच भी कुछ ना कुछ मोमेंट दे ही सकता है बट uh, बात रही सपोर्ट में कि तो अच्छा है जैसा चल रहा है ठीक है बढ़ी है पता है इसके ऊपर मेरा थोड़ा सा अलग टेक है पता है जैसे अलग ये है कि मतलब सेमीजेन वाला जो मैच था उसके अंदर हमें पता था कि सेमीजेन इज अ सुपरस्टार जो कि बहुत सारी चीजें कर सकता है वो रिंग के अंदर उतना ज़्यादा आपको 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 दे सकता है ना ना ही ही देने देने वाले है। ना ही आपको उतने देने वाले हैं exactly. हैं के कारण चल जाएगा और वो मतलब एक साइज है ना कि वॉर ऑफ अरे मैं बता रहा हूँ ये पांच मिनट से ये पांच मिनट से छोटा मैच होगा लिटरली और उसमें क्या मैच क्या मैच

Hmm, दिखते हैं भाई ब्रो। नहीं यार मेरे हिसाब से अच्छा ठीक है भाई। एक ही कटे ले लेते हैं मेरे हिसाब से वो पांच मिनट से छोटा मैच होगा जल्दी खत्म हो जाएगा एग्जैक्टली exactly. सेम oh, oh. लंबा आ, 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 अंकित लंबा बोल रहा है पता है बताओ भाई अंकित अंकित लंबा बोल रहा है मैं बोल रहा हूँ कि भाई मिडियोकर मैच होगा ज्यादा उम्मीद है मैं क्वालिटी भी बता रहा हूँ मैच की छोटा होगा और कोई ओ एम जी मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है हो मेरा ये है कि शॉट अरे तो ब्रॉक का एफ आई ब्रॉक का एफ आई ओ मूवमेंट कब से हो गया अरे तो ये भाई सात फुट

तो यही बात है अच्छा एक एक क्वेश्चन मैं लेना चाहता हूँ जो अपनी लकड़ी गीली करके आ चुका है अपने पापा को कह रहा है कि पापा मैं पड़ा हो गया और अब मेरे पास बंदी है ठीक है मेरे पास भाई लोग हैं और मेरे अभी पास बच्चा भी है। तो था ट्वीट तो किया मैंने किसी की थंबनेल दिखाया हाँ अबे भाई कौन है क्या भाई बंदी का बच्चा भी हो गया तभी तो भाई लकड़ी की वो मालूम है कौन है और... वो मालूम है कौन है वो है रेस्लिंग बादशाह फ्रॉम ओहायो अरे <laughs> भाई।, 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 भाई भाई गंदा गंदा पेले नेम, पेल, नेम ड्रॉप हो रहे भाई यहाँ पे और इससे अंकित नानी सॉरी नयन और मेरा कोई लेना देना नहीं है गेस्ट गेस्ट है हमारे भाई नहीं भाई हम तो देखो भाई हम तो एक जरिया है भाई हम तो प्लेटफॉर्म है खाली ठीक है ना कॉन्ट्रोवर्सी करनी है तो <laughs> इनसे <laughs> करो भाई ठीक <laughs> है <laughs> क्या तुम लोग दला लो बीच में <laughs> ओके आ, अच्छा बोल रहा था वैसे कि हाँ, हाँ, क्या, क्या डोमिनिक हाँ, मैं बताता हूँ पॉइंट पे आते हैं वापस से तो डोमिनिक मिस्टीरियो जैसा कि मैं बता रहा हूँ भाई बड़ा हो गया है लकड़ी गिली करके आ चुका है अपनी और भाई खड़ा हो गया मैदान में अपने ही पापा के अगेंस्ट लड़ रहे हैं एंड ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ भाई अभी कंपनी के अंदर कोई हील है एक्चुअल हील तो वो डोमेनिक मिस्टीरियो है जिसे सच में कोई सुता हुआ देखना चाहता है रोमन रेंज इज नॉट अ हील ही इज जैसा हम बनना चाहते हैं हील वो होता है जिसको हम कुटता हुआ देखना चाहते हैं जैसे एज था ठीक है तो अभी प्रेजेंट में अगर कोई प्रॉपर हील है तो वो है डोमैनिक मिस्टीरियो पहली बात ये दूसरी बात डोमैनिक मिस्टीरियो ट्रिब्यूट देने वाले हैं अपने हीट को उनका पूरा अटायर और वो कारवार लेके आएंगे तो इसके लिए कितना एक्साइटमेंट है और ये कितना मैच दब गया तुम्हारे तुम्हारे हिसाब से जिस हिसाब से इसका बिल्ड है बताओ नॉर्मल वाइज में शुरू करते हैं स्टोरी लाइन जैसी देखने को मिली बाप बेटे को भाई मजा तो आएगा देखने में लेकिन बाप तो हारेगा लग रहा है मुझे पता नहीं क्यों और, और। म, मजा तो ये आएगा देखने में कि भाई जितना सताया है इस बंदे ने मतलब इस लड़के ने अपने बाप को इतना सताया उसका बदला तो नहीं रोहन भाई का क्या टेक है इस पर देखो पहले मुझे ये क्लियर करो मुझे ही गलत सुन रहा है कि गलत बोल रहा है कि डोमिनिक है डोमिनिक भाई भावना पकड़ो ना यार दिखो। हाँ ठीक है देखो प्रकुण। मेरे हिसाब से जो डोमिनिक वर्सेस रे का फ्यूड का बिल्ड है इट इज वन ऑफ द बेस्ट बिल्ड जो कि तुम्हें इस साल रो टू में, में मिल रहा है इवन मैं इसे रोमन वर्सेस कोडी से बेटर कहूंगा जो धीरे धीरे करके इन लोगों ने बिल्ड किया ना भाई लिटरली एक्चुअल में वो बिल्ड होता है जो हम दो तीन महीने का लॉन्ग बिल्ड कहेंगे और मेरे हिसाब से ये जो मैच है वो कहने को अंडर रेटेड है बट जब और तुम देखोगे जब इसके व्यूज व्यूज भी आए थे डब्लू डब्ल्यू के वो सेवनटीन मिलियन से ऊपर गए थे सिर्फ बारह घंटे में तो बता रहा है कि ऑडियंस भी एक्साइटेड है और फ्यूड करेगा और डोमिनिक स्पेशल एंट्री करेगा जैसा नयन बता रहा है वो होती है hmm. तो भाई जो हीट जनरेट होगी ना उस वेन्यू के अंदर hmm. और जो के लिए होगा वो next level का होने वाला है लिटरली राइट और अंकित मुझे तो लगता है भाई क्या बता वो इवन सिक्स वन नाइन मार्क मैच जीत जाए क्योंकि जीत तो पक्का हाँ. है। यादो, क्या था एडिकेडो का फिनिशर क्या था मैं मैंने नहीं, 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 नहीं नही क्या पता वो फिनिशर दे के वो जीत जाए तो फिर थिंग्स और पर्सनल क्योंकि इनके मैचेस होने वाले ना मल्टीपल सीरीज में होंगे हाँ, मुझे और मेरा... अभी तो स्टार्ट हो रही है, रही है। मेरा इस पे ये था कि मतलब ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि जैसा नयन का क्वेश्चन था कि ये दब गया मैच बाकी मैचेस के बीच अच्छी खासी लाइम इसके पास भी है जैसे बाकी मैचेस के पास है और जैसा कि बाकी सब ने बोला कि डोमिनिक की वैसे डॉमिनिक जीतने का ज्यादा सेंस भी बनेगा क्योंकि पासिंग द टॉर्च वाली चीज़ करनी है अभी उन्हें हीट लेके जानी है सुपर स्टार पे ताकि जितना वो हेटेड है

फ्रेक रोलेंस के मैच में जो की होने वाला है इंस्टेंट क्लासिक लोगन पॉल पे मुझे पूरा ट्रस्ट है और मैंने एक लोगन पॉल का एक ट्रेनिंग ट्रेनिंग सेशन था जिसे मैंने पोस्ट भी किया था रीपोस्ट किया था जिसमें वो ऐसे जंप कर रहे हैं जैसे कि पैट मैकेफे ने पिछले साल किया था ना टर्न बकल पे जम्पा तो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो मतलब इस मैच के बारे में क्या ओपिनियन है और कौन जीत रहा है मेरा क्विक ओपिनियन बता रहा हूँ मुझे लग रहा है कि लोगन पॉल हार रहा है क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट भी ओवर हो रहा है बाकी तुम लोग हार लोगों क्योंकि के अगेंस्ट विक्ट्री देना मतलब एक न्यूसेंस वाली चीज है

दिल से नहीं यार और सेथ्रोलिंस तो अपना बंदा यार घर का बंदा है इसको तो जिताना बनता है यार <laughs> <चल्याता>। <laughs> रोहन भाई आगे बताओ भाई बट बट देखो बात रही इज्जत की लिटरली लोगन पॉल के लिए दिल से रिस्पेक्ट भाई जो उस बंदे ने परफॉर्मेंस दी है ना <laughs> बंदे ईडब्ल्यू रेसलर तो दस साल में नहीं दे पाएंगे <laughs> वो एकदमेंस देखते नया नया लेकिन हारेगा जीतेगा मैटर करता भी नहीं है बिकॉज ऑफकोर्स वो एक पार्ट टाइमर है एक आधे मैच कंप्लीट करता है वो मैच की क्वालिटी क्या देता है वो बेसिकली लोगन पॉल का मोटिव होता है और मुझे लग रहा है वो क्वालिटी ऑफकोर्स एक टॉप नॉच होगी राइट मैंने बता आउट लोगन कर हाँ। <laughs> तो एक एक, एक करना चाहूंगा सॉरी काट रहा हूं अगर किसी को बीच में भाई ये कि यहां से मतलब बैड बनी वाला बिल्ड चालू हो सकता है मतलब कुछ लोग ऐसे कह रहे थे कि लोगन पॉल को बैकअप करने ही जेक पॉल आ सकता है और फिर बैड बनी का वो जो मैच है बैड बनी सेव करने आएगा मतलब उसको ऐड हाँ, नहीं होने को? वाला रसेल मेनिया में वो प्रेजेंट है वेन्यू पे शायद बैकलेस में तो है ही है एंड रूमर्स भी इनके हाँ, हाँ, तो शायद हाँ तो अच्छा हां मतलब सेथ को सेथ को सेव करने आएगा ये तो मैंने हां हां मैं भी वही सोच रहा था हां ये भी और हाँ, दूसरा बैकी नहीं का इंटरव्यू सुना किसी ने बैकी का इंटरव्यू सुना जहां पे वो लुगन को बैश कर रही थी बैंकर

अच्छा मैं हुँ हुँ मैं, मैं ना तुम सबको एक धर्म संकट वाली बात बताता हूँ जिसमें मैं, मैं फंसा हुआ अब ऐसा सीन ये है कि ना आ, मैं कोडी को जीतते हुए देखना चाहता हूँ और मैं रोमन को हारते हुए नहीं देखना चाहता और इसका एक सॉल्यूशन जो मुझे लगता है जो पॉसिबल है कि रोमन अपनी एक टाइटल हारे जिससे कोडी भी चैम्पियन बन जाएंगे और रोमन पूरी तरह हारेंगे भी नहीं बट ये चीज किस तरह पॉसिबल हो सकती है किस तरह नहीं हो सकती उसका कोई आइडिया नहीं मुझे अब ऐसा किसी का है तो वो मुझे बताओ स्टार्टिंग विद नॉर्मी क्या रोमन क्या था एक सेकंड रोमन हाँ। मतलब क्या रोमन हारे भी ना उस तरीके से क्या हाँ, है और बॉडी चैंपियन बन, जाए और रोमन हारे भी ना ये कैसे होगा ये वही ना मैं वही बोल भाई रहा हूँ भाई ये सबके मन का अभी हाँ। व्यथा यही चल रही है मतलब कोई कोडी को हारता हुआ भी नहीं देखना चाहता मैं देखना चाहता हूँ भाई तू तो मतलब दोगला है भाई ये दोगला है भाई ट्विटर पे बनता है भाई कोडी फैन अरे नहीं भाई, नहीं। नहीं भाई को, मैंने वो गिव अवे इसलिए किया कि रोमन जीतेगा सॉरी रोमन अगर हार गया तो मैंने, मतलब मैं कोडी के फैन से हार गया तो गिव अवे करूंगा उस तरीके से ये नहीं कि कोडी को मैं सपोर्ट करा। तो के में करूंगा आ, नहीं रोमन सपोर्ट डाले नागला तो इसको टेक डाउन कर देंगे अच्छा थोड़ा सा यहाँ से जॉनर से थोड़ा सा ट्विटर पे जा रहा हूँ ठीक है अभी एलॉन मस्क एलॉन मस्क ने एक ट्वीट आ, ट्वीट किया था कि आ, सिर्फ जो फॉर यू में आते हैं ना रिकमेंडेशन वो सिर्फ उन्हीं की आया करेगी जिनके पास ब्लू टिक होगा तो ये तो मतलब बहुत ही वो नहीं है खतरनाक वाली चीज़ कि हाँ भाई अब हमारी भी रिकमेंडेशन जाया नहीं करेगी किसी को क्योंकि हमने किसी ने ले नहीं रखी ये वाली सब्सक्रिप्शन और फ़ायदा भी नहीं आ रहा वैसे लेके इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स देखे मैंने उन्होंने भी नहीं ली होती ये वाली सब्सक्रिप्शन क्योंकि और पता नहीं यार, है ना पैसे फायदा भी नहीं है भाई ब्लू टिक अगर आप, ले तो अब सीधा कि आप खुद को दिखाना हो मिल जाती कि नहीं फिर भी ले रहे हो दिखाना चाह रहे हो तो इसलिए अजीब सा बोने भी सही थोड़ा वो तुम है तुम्हारे पास ब्लूटेक रेट वेट लाइक आ रहे दो अच्छा थोड़ी लगता है एटलीस्ट वो केक के अंदर है तो सही भी है अरेट याद लगता है चार पे ब्लू क्या है ब्लू टिक क्या अभी जैसे लास्ट टाइम मोहित भाई थे वर्स तो उनसे बात हुई थी तो उनका भी सेम ही टेक था और उन्होंने बताया कि जो तो उनके जॉनरा के बंदे जैसे मैन ऑफ कल्चर के दो पीजे और बादल वो भी यही बोलते हैं कि भाई ये तो मतलब फालतू की चीज है इतने और भी उनसे भी बड़े क्रिएटर्स हैं जो कि नहीं ले रहे हैं ऐसे सब्सक्रिप्शन दे या तो मिले तो उनकी पॉपुलरिटी खुद की वजह से मिले पैसे दे के के दिखाना कि हाँ भाई मैं एक ब्रांड हूँ वो तो मतलब क्या है? वो क्या ब्रांड है भाई बात ही है ना बात ही हो गई ना ब्लू टिक ब्लूटिक अ रिवॉर्ड जो आपको मिलता था एज एन एप्रिसिएशन कि हाँ। भाई अब तुम तो तो उसे खरीद रहे हो तुम खरीद नहीं सकते मतलब लोगों की इज्जत तुम खरीद नहीं सकते हाँ नहीं ठीक है कंपनी तो कर रहा है कंपनी तो भाई पैतरे लगाते हैं अलग अलग लेकिन बात तुम भी उस चीज को ले रहे हो तुम भी ले रहे हो कि मतलब वॉनवी वाली बात है ना फिर बात घूम के वहीं पे आ गई वो वाली चीज है, बात है। वही बात अच्छा थोड़ा सा ऑफ टॉपिक आए हैं ऑफ टॉपिक आए हैं तो दो तीन बातें और कंसिडर करूंगा जैसे पिछले पॉडकास्ट में बात हुई थी हमारी कि इस कम्युनिटी को बनाओ बैक्सेज हमारी थोड़ी बात हुई थी मोहित भाई से कि यार कम्युनिटी काफी ज्यादा दब रही है और मैं मतलब हम लोग काफी बात करते हैं इस बारे में हमारी कम्युनिटी मर रही है लिटरली जो छोटे क्रिएटर्स अगर कुछ देख रहे होंगे छोटे इन द सेंस जो स्टार्ट कर रहे हैं मेरा कहने का ये मतलब है तो तुम्हें सबको तुमसे बेटर कोई नहीं जानता का क्या हाल है? कितना खराब है और कितनी हो में में सबसे और... हाँ। बहुत सारे ऐसे रेसलिंग फैंस है जो की चाहते हैं कि यार जैसे हम कॉन्टेंट बनाते हैं वैसे वो भी बनाए वो उनका भी नाम हो या फिर कुछ है ना पर अब तुमने इतना यहाँ पे वो दबदबा बना के रखा है तो वो कैसे एंटर करें इस फील्ड में तो बताओ

नहीं मिलेगा कुछ यार मैं क्लियरली बोल रहा हूँ नहीं मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा बहुत रेयर लोगों को मिलता है ऐसी बात है बहुत रेयर मतलब सम, अगर सौ क्रिएटर्स है ना तो किसी दो को मिलेगा इतनी शौक देखो शौक से कर रहे हो अच्छी बात है करो शौक से मजा आएगा तो पैसों के लिए कर रहे हो तो भाई डिमोटिवेट होके दो दिन में बंद कर दोगे

अठन्नी मालूम है है भाई बहुत बुरा है, बहुत, बुरा बहुत बुरा बुरा हाल तुम का सवाल क्या होना चाहिए था एग्जैक्टली लास्ट पॉडकास्ट में तुम लोगों ने प्रॉब्लम की बात की थी तो ठीक है उनसे प्रॉब्लम की बात की क्योंकि वो तो अपनी कम्युनिटी के लिए तो ठीक है प्रॉब्लम की बात है लेकिन यहाँ पे सोल्यूशन हम लोग को डिस्कस करना चाहिए था हम भी प्रॉब्लम पे बात तो करेंगे क्योंकि प्रॉब्लम तो हम ही है हमारी मेरा यही था कि हम जो ये फेस कर रहे हैं मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि पहले तुम लोगों को मिरर दिखाओ कि कम्युनिटी कैसे खत्म हो रही है और उसके बाद तुम ये बताओ मतलब बिल्कुल हार्शली लोगों को बताओ कि भाई अब क्या चेंज कर सकते हैं और जैसे कि याद है अंकित हम लोगों ने मतलब बतानी चाहिए पॉडकास्ट में बताते चलो हमने कुछ लोगों से बात की थी हाँ अप से आफ्टर आई डब्ल्यू एफ हायर अप्स मतलब अच्छे डब्ल्यू डब्ल्यू से रिलेटेड जो कि दिखाते हैं सोनी के टीम वाले लोगों से और उनके लिए हमारे पास बहुत अच्छे लेवल के आइडिया थे है? अगर वो होते जो हमारे आइडियाज़ थे और उन्हें हम आगे एक्जीक्यूट करेंगे तो वो भाई गेम चेंजर होता हाँ तो हम लोग भाई मैं मैं यही चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने बहुत हायर अप से हमारी बातें चल रही थी और जो हमारे आइडियाज थे हम लोगों ने डिस्कस किए थे हम पांच जनों ने डिस्कस किए थे मेनली और वो हमारा था कि हम उसे आगे लेके जाएंगे नहीं। 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 बट आगे से हमारे पास सपोर्ट नहीं आया और उन्होंने मतलब

तो, तो लग रहा है इतने मेरी से भाई से नहीं नहीं भाई रैली पहुंच नहीं थी हम लोगों ने सिर्फ इतना हम लोगों ने आईडब्ल्यू एफ जो ग्रुप बनाया था उस उसमें हमने इतना वो काम किया उसके बाद हम लोगों ने पहुंच बनाने की कोशिश की ये मिलते हैं नहीं है भाई सोनी वाले बहुत मुश्किल से हम लोगों ने अप्रोच किया इन लोगों को उसके बाद जब चीजें नहीं होती ना तो फिर आदमी डिमोटिवेट हो जाता है इसलिए कम्युनिटी करना ही छोड़ दिया सब ने छोड़ दिया किसने किया हमने बहुत मेहनत की थी यार और उसमें मतलब जैसे अंकित ने रीच किया था फिर हम लोग रात में बैठ के पूरा आइडियाज बिल्डिंग कर रहे थे हम पांचों बैठ के और इतना दिमाग खबरा था भाई उसके उसके अंदर दिन में में वीडियोस कर रहे हैं, रहे हैं हैं ऑफिस जा बाद रात आके हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं बहुत बहुत देर देर तक बट ठीक है कोई लॉस नहीं था हमने बहुत सारी चीजें सीखी है साथ में मिलकर हम पांच जनों ने और छह जनों ने मिलकर बहुत चीजें हमने एक दूसरे से सीखी भी है तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग ना बिल्कुल रेंटफुली बताओ लोगों को असलियत की कम्युनिटी के अंदर क्या ग्रोथ है देखो एक टाइम तक आदमी पैशन फॉलो कर सकता है उसके बाद दो साल बाद सारा पैशन उतर जाता है 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 फिर फिर पैसा पैसा मैटर करता है भाई भाई लिए ये हम जानते हैं सब कि कि इज अल्टीमेटली पे तो घर वालों को भी ऐसा ही नहीं ना पैशन से पेट नहीं भरेगा पैसे से भरेगा तो तुम लोग बहुत मतलब हार्शली मैं चाहता हूँ सब अपने अपने ओपिनियंस बताओ आजकल तो आजकल तो लोग उल्टा जो नए क्रिएटर उनको एडवाइज कर रहे हैं कि भाई मेरा ही कंटेंट उठा लो तुम यही डालो हाँ। और बाद में तुम खुद सीख जाओगे डालते डालते वो तो ऐसे होगा कि भाई मैं तेरे को तू मैं तेरे को चीटिंग करवा दूंगा टेस्ट में और तू धीरे धीरे खुद ही खुद ही सीख जाएगा हाँ। <laughs> कैसे पढ़ाई करते तो? ये कौन कह रहा है <laughs> <ये> कौन <laughs> क्या कौन रहा है ये क्या रहा है? ये क्या कौन रहा है अरे क्या कौन रहा है ये बताओ पहले ये भी है यार क्या बोलना बड़े बड़े लोग बड़ी है भाई चलो छोड़ो इस बात को यही ड्रॉप करता है लोग समझ गए समझने वाले चलो तो भाई बताओ तुम लोग बताओ अब सब एक एक, -एक -कर करके मुझे भाई तुम लोगों की राय जाननी है इस पे hmm. Hmm. मैं बताता हूँ okay. भाई मेरा तो बिल्कुल मन है इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का आज से नहीं पाँच महीने पहले से लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ अपनी स्ट्राइक के एक्सपायर होने का कहीं <laughs> भाई एक परी हुई है दूसरी आए तीसरी आ जाए तो उसका मैं वेट कर रहा हूँ वो शायद खत्म होगी अगले महीने तीस या फिर उसी अराउंड तो शायद मैं वीडियो भी बनाऊंगा लेकिन बात है कि कम्युनिटी में ग्रोथ की तो भाई मेनली जो ग्रोथ अभी तक हुई है ना हार्ड वर्क से ही हुई है मतलब तो मैं कहूँगा रोहन की भी देखी मैंने हार्ड वर्क भाई इसने क्या दो से यूट्यूब पर शायद दो तक इसको

मतलब उनको लक से मिला है भाई है। मैं मल्टीपल एग्जांपल्स दे दूंगा गेम ऑफ इनिंग्स करके क्रिएटर था अभी भी है, है, है। लक्ष से मिला है भाई तुमको वर्क से थोरी मिला है। तुम लोगों जो में दो तीन महीने में ग्रो, लग से ग्रो करने वाला यूट्यूबर एक ना एक दिन गिरता ही अगर कंटेंट नहीं ढंका देता है तो वो अभी गिरा हुआ है हिंदी एम्पायर करके क्रिएटर था वो अच्छे थे मतलब उनके साथ मेरी बहुत बात भी थी पहले तो वो सारे लक्ष से बने हुए क्रिएटर्स हैं अभी देखो रोहन ने क्या रोहन भी उसी टाइम का है लेकिन इसका लग काम नहीं किया अभी इसकी किस्मत खराब थी वो अलग बात है लेकिन <laughs> हार्ड वर्क से अभी है तो एक्टिव ऑडियंस है इसके पास अब ऐसा नहीं है कि इसको सोच इतने तो मालूम है इतने तो आएंगे मंथली पेमेंट तो आएगी ऐसा नहीं, नहीं है कि आज आ रही है कल नहीं आ रही है अंकित की ये बात बड़ी सही लगी मुझे कि भाई अभी तक खत्म हो गए होने थे ऐसी बात हमारी मोहित भाई के साथ हुई थी लास्ट पॉडकास्ट में तो उन्होंने बोला था कि हमारे जो है कॉन्टेंट ड्रिवन चैनल्स हैं और ऐसा जिनको ऐसे मिल गया है ना दो तीन महीनों में ऑडियंस मिल गई है वो खत्म हो गए होते कि अगर हमारा जॉन

छोटे से बड़ा हर क्रिएटर एक ही लेवल पे सेम लेवल पे काम कर रहा है और सेम लेवल पे अप्रीशियेशन मिल रही है सबको चाहे वो किसी किसी बड़ी जैसे मार्वल जैसी कंपनी की तरफ से हो यहाँ पे अ, अ, अपनों में अप्रोच करेंगे पता है बेसिकली यहाँ यहाँ ना अपने में टसल है दिक्कत ये तुम्हारे अगर कुछ भी मेरे कम आ रहे हैं वो ये लड़ पड़ेंगे आपस में फालतू का कि तेरे कैसे आ रहे हैं ये कैसे आ रहे हैं तो इसमें वाली कम्युनिटी में मेरे हिसाब से तुम स्कोप देखोगे नहीं बचा भाई उतना अगर मैं सब लिटरली सबको यही एडवाइस करूंगा अगर तुम यूट्यूब पे आ रहे हो अपने चार पांच साल देने के लिए तो मैं तो ये प्रेफर करूंगा तुम किसी और फील्ड के अंदर उतना वर्क करो क्योंकि अगर तुम इस लाइन में आ रहे हो ना मैं यही कहूंगा एक ना एक दिन वो टाइम आएगा क्योंकि अगर डब्लू डब्ल्यू का डाउनफॉल आएगा right. तुम्हारा डाउनफॉल आएगा ये चीज मैंडेटरी है इस फील्ड में ये सबसे बड़ा मेरे हिसाब से फ्लॉ इस पूरी फील्ड का जहां तक तो मेरा ओपिनियन है पाँच छः साल जितने भी बीते और भी आपको भी अपनी आइडेंटिटी बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है एक्चुअली पता क्या है जैसे मेरे भी फील्ड पे कई बार ऐसे रेसलिंग चैनल्स की वीडियो जाती है सामने तो मतलब काफी अच्छे कॉन्टेंट का, क्रिएटर होते हैं अब मैं क्या करूंगा वीडियो खोलूंगा और कमेंट कर दूंगा अगर किसी की अच्छी लगी कि भाई अच्छा काम कर रहा है ना ऐसे ही करते रहो पर वही कि उसकी आइडेंटिटी क्या है मेरे मन में ऐसे कि मैंने एक बार देखा बस मेरे ध्यान में वही कि अच्छा कंटेंट क्रिएटर था कोई रेसलिंग पे वीडियो बना रहा था बट तुम्हें अपनी मतलब आइडेंटिटी बनानी यार ऐसा तो अंकित भी तो वही न्यूज़ दे रहे हैं है ना रोहन भी दे रहा है नॉर्मी भी दे रहा है मतलब तो मैं क्यों तुम्हें देखूंगा अगर सेम ही चीज है तो कुछ बेशक वो एडिटिंग में हो चाहे वो आपकी बोलने के तरीके में हो चाहे वो किसी भी तरीके में हो अपनी कुछ आइडेंटिटी बनाओ अलग से फेस कैम कर दो यार मतलब थोड़ा सा होता है मुझे पता है प्रॉब्लम स्टार्ट, स्टार्टिंग में नहीं कर पाते बंदे पर यार अब अब कुछ तो इमेज होनी चाहिए बंदे की अगर सेम वही ना यार हम एक ही जॉनर से बिलोंग करते हैं तो फिर कोई अलग चीज फैक्ट्स तो चेंज हो नहीं सकते न्यूज तो चेंज हो नहीं सकती तो देखो देखो मेरे मेरे हिसाब से, से डिफरेंस पता है सबसे बड़ा क्या है तुम देखोगे ये रेसलिंग का जो हिंदी में जबकि ज्यादा ऑडियंस है तब भी कम ग्रोथ है इंग्लिश में ऑडियंस कम है लेकिन तब भी ज्यादा ग्रोथ है ये डिफरेंस समझ रहे का तो तो इसका मतलब बेसिकली मैं तो यूनिटी कहूंगा क्योंकि मैंने देखे बाहर के इतने फॉरनर क्रिएटर्स एक के साठ से सब्सक्राइबर हैं दूसरे के छे सौ के हैं ना दोनों को लैब करके right, सीरीज बना right. रहे हैं लिटरली और यहाँ एक वीडियो को लैब के अगर तो तुम बनाओ किसी बड़े क्रिएटर के साथ में बहुत hmm. मुश्किल है बन पाए भाई वो तुम अपने पूरे एक दो बना लो अपने में में लेकिन लेकिन कमाल अपने बड़ा क्रिएटर है ही कौन अपने में भी तो वो तो ब्रॉक ब्रॉक्रमे के आए हैं किधर से भरे तो अपने में बड़ा क्रिएटर कमाल की बात है कम्युनिटी है इसमें कोई बड़ा क्रिएटर ही नहीं है मैंने वही नहीं तो ऑडियंस जबकि ऑडियंस जबकि इंडिया में ज्यादा है कौमास खाली कराओगे तो कौन कराएगा ऐसा बड़ा क्रिएटर <laughs> है, भाई इसमें वही तो बात है कि कम्युनिटी है और कोई बड़ा क्रिएटर ही नहीं है अब यार, ये भी तो समझता बड़ा बड़ा है, वो, वो वो है। को वो दोनों मेरे कॉमिक से समझ आया हाँ, ये तो है। जब उनसे बात हुई ना तो समझ बट तो मैंने ना भाई की बड़ा क्रिएटर होने की डिफिनेशन भी अलग है अब दो तरीके से बताता हूँ मानो रोहन मैं हूँ मैं अपने आप को बड़ा क्रिएटर समझता हूँ और मेरे बड़े क्रिएटर का मतलब यह है कि मैं इंस्टा का रिप्लाई नहीं करूंगा ट्वीट का रिप्लाई नहीं करूंगा लेकिन इसके बड़े क्रिएटर का मतलब यह है कि क्वालिटी कंटेंट बनाएगा एंड पूरी कम्युनिटी को right. एक तरीके से ट्रीट करेगा तो ये दो तरीके के डिफरेंसेस right. आ जाते हैं hmm. अब डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कौन सा वाला hmm. है हाँ हुँ, 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 हुँ. सही बात है और अगर लोग सोचते हैं ना पता है लोगों को क्या सोचना होता है कि भाई वो मेरे से कम टैलेंटेड है अगर तुम टैलेंट की बात कर रहे हो ना भाई तुम कभी रोहन के एडिटिंग स्किल्स देख लेना hmm. दो अरे इसने सर्च फॉर मर्च में जो नाइन्टी एडिटिंग इसने करी है और उसने हम लोग और हमने इसको दे दिया था कि हाँ ये कर इस पर इतना बिलीव हाँ। था किसी ने चेक भी नहीं किया कि कैसा करेगा कैसा नहीं करेगा और सारी हाँ। इसकी जीत इसने जितनी। बहुत खतरनाक काम किया था मेरे को याद है हाँ, एक पोस्टर को छोड़ के ते, ते एक पोस्टर बनाया गया था भाई। वो पो सर्च फॉर्मर्स के पोस्टर को छोड़ के वो पोस्टर में सबने फीडबैक दिया था बाकी जितनी करी इसने करी मतलब भाई मतलब बात ये ओवरऑल कि तुम लोग अगर ये सोच रहे हो कि भाई मतलब ये ये वाली चीज ना इन्होंने सोची नहीं होगी भाई वो सोच के वो करके और वो थप्पड़ खा के बैठ गए कि ऑडियंस यही देखने वाली है हाँ, क्योंकि भाई अगर हाँ, तुम्हें हाँ, कुछ डिफरेंट करना है ना तो फिर व्यूज के लिए रोना बंद कर दो ठीक है क्योंकि डिफरेंट में व्यूज नहीं आएंगे हैं कोई चाल में दौड़ना पड़ता है पेशेंस रखनी पड़ेगी बहुत ज्यादा वो भी बहुत ज्यादा भाई इंडियन ऑडियंस वाली चीज में मैंने देख लिया पेशेंस है ही नहीं तुम्हें ना अगर कुछ डिफरेंट कर ही नहीं सकते तुम्हें ट्रेंड के साथ भगना पड़ेगा ही अब जैसे हमारी फील्ड के अंदर तीन वीडियो का ट्रेंड है ठीक है न्यूज वाले सेगमेंट में हाँ। अगर रोहन कल को चार वीडियोस डालते हैं तो अंकित पे भी प्रेशर है कि वो चार डालेगा नॉर्मी हाँ। भी चार, चार डालेगा फिर वो हो जाएगा भाई एक पूरा एक तरीके से रेस हो जाएगी मैंने यही ऑडियंस ही कहना चालू कर देती है ना ऑडियंस ही कहती है वो तीन डाल रहे तो चार क्यों नहीं डाल रहे हैं वो चार डाल रहे तीन क्यों डाल रहे हैं बीच में दो डालना स्टार्ट कर दिया अंकित तीन डाल रहा था मेरे पास इतने कॉमेंट आए कि भाई वो तीन डाल रहे तो दो क्यों डाल रहे हैं इसी तो बोलते ना ऑफ कम्युनिकेशन है हम क्रिएटर्स के बीच में मतलब हमारे बीच में नहीं बाकी मतलब पूरी कम्युनिटी ओवरऑल कह सकते हैं कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन बहुत है और भाई देखो जितने भी हम छह सात जने हैं जितने भी हमारे मतलब करीबी फ्रेंड्स हैं जिनसे हमारी बात होती है हम तो भाई कोशिश करते हैं इस कम्युनिटी को हम लोग बेटर प्लेस बनाए उसके लिए भाई जो बंदे सच में काम करते हैं मैं यूथ शॉर्ट आउट देना चाहता हूँ भाई ये जितने बंदे फ्रेम में बैठे हैं खासकर अंकित हो गया रोहन हो गया नॉर्मी हो गया जय हो गया मैं हो गया भाई पर्सनल लाइफ में सबकी बजी पड़ी है लिटरली बता रहा हूं तुम्हें तो पर इस कम्युनिटी को छोड़ना कोई नहीं चाह रहा है देख रहा हूँ तुम देखो कि जैसे रोहन है रोहन का डाउनफॉल अभी जो चल रहा है ना भाई वो मैं देख पा रहा हूँ ये बंदा पता नहीं कैसे हंस के उस चीज को टाल दे रहा है

मैंने वो भी रेसन मीना करके डाली थी तो उसपे पचास हजार के करीब गए व्यूज तो सब कहीं मेरे भी थर्टी थाउजेंड आते थे सितंबर तक अभी तो दस बार आ रहे हैं सब कहीं चल रहा है मेरे हिसाब से तो हाँ यार वही यही पता है यही इंडस्ट्री का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा फ्लॉ है लोग मेहनत करिए जब ऊपर जाते व्यूज बढ़ते हैं यहाँ उल्टा है अगर डब्लू डब्ल्यू चलेगी तो तुम्हारे व्यूज ऊपर डब्ल्यू डब्ल्यू नहीं चले तुम दस मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठ जाओ व्यूज डाउन है मतलब है। यहाँ पे वो वाली चीज फेल हो जाती है जो कहते हैं मेहनत करो फल मिलेगा फल मिलता है फिर वो निकल जाता है हाथ से ये वाली चीज होती है ये एक का थोड़ा है अच्छा ठीक है रुको अब थोड़ा लाइट मोड पे जाते हैं यार थोड़ा रेसल में थर्टी नाइन पे वापस जाना ले जाना चाहूँगा मैं आप सबको क्योंकि अभी जब भी ये वीडियो देख रहे हैं लोग तो उससे सुबह ही बस रेसलमेनिया है नाइट वन और सभी की हाइप बहुत ज़्यादा है तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा सबसे कि कोई जरा सी भी पॉसिबिलिटी लगती है किसी को द रॉक के आने की नहीं बोलूँगा ठीक है अच्छा <laughs> लगती है पर ठीक है मुझे भी अंकित को <laughs> देखो लगती तो नहीं है मुझे लेकिन नहीं लगती भाई नहीं नहीं लगती <laughs> नहीं लगती <laughs> <laughs> मुझे लगती है भाई मुझे रोन, मुझे रोन लगती भाई लगती भाई है, मेरे हाई बक्स है भाई भाई मुझे नहीं लगती भाई मुझे नहीं लगती लिटरली अच्छा मैं मैं तो तो छोड़ के बैठा हूं। उसकी वो बंदा ना मैं भाई बैठ हॉलीवुड में बाय बाय मुझे मुझे तो मुझे पर्सनली बोलो लगती है जस्ट आ, इस चीज के लिए क्योंकि हॉलीवुड और डब्ल्यू भले मैच के लिए वापस ना ला ला पाई हो रॉक को बट यार एक सेगमेंट के लिए एक मतलब फीचर करने के लिए तो वो ला ही सकते हैं इतने के लिए तो यार इतना भी होगा रॉक अगर अभी भी नहीं आया ना तो सच में यार मतलब जैसे अंकित और मेरी एक बार पर्सनली बात हुई थी तो हमने बोला था यार इतना भी क्या जहां से आप इतने पॉपुलर हुए हो जिसने आपको स, अ, अपना इनिशियल पुश दिया है वो आप उसके लिए मतलब इतनी सी अप, अपेयर नहीं कर सकते तो फिर क्या ही फायदा अरे बंदा ऑस्कर में जाके घूम रहा है भाई वो डब्ल्यू डब्ल्यू में दो मिनट नहीं आ सकता हद हो तो गई मतलब hmm. भाई ये ये चीज तो पता है जॉन सीना ने सही कही थी कि भाई ये बंदा कुछ नहीं आएगा अभी तो यहाँ पे अपनी मूवी प्रमोट करने आएगा ये भाई बहुत सुपर डुपर मतलब हाँ, हाँ, है साला hmm. और भाई बात ये है ना तुम आ जाओ भाई तुम रेसलमीना ट्वेंटी में जैसा कांड करके गए थे वैसा कर दो मतलब भाई कभी, यार, यार, कभी, कभी तो तो कर तो करना है। मत मत करो करो यार मैं 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 अभी रोमन एक साल तक चैंपियन रहेगा फिर उस टाइम लो पे लोग रियली बोर हो कि रॉक को जीताओ वहा है मतलब अब मत ही मत करो ये होप्स नहीं चाहिए फालतू की रॉक रोमन अभी एक टाइम था परफेक्ट टाइम था ये उसके बाद बकवास मैं सीरियसली बोल रहा हूँ हाँ भाई ये ठीक भाई मैं और अंकित इसको लेके ना मैं और अंकित इसको लेके बहुत गालियाँ सुन चुके हैं हम लोग रॉक को पता नहीं कहाँ कहाँ बुलवा रहे हैं सब, सब कुछ बढ़िया लिए तो रॉक आएगा भाई लाइव चैट्स पड़ी रॉक के

और मैं मेरे उसपे भी नहीं व्यूज आएंगे मैं उसपे भी दस हजार ही आने तो उल्लू बनाऊं या फिर ना बनाऊ व्यूज उतने ही हाँ। आने हैं तो फिर उल्लू बा, बना बात, क्या वारे? ये बहुत सही बात की अंकित ने हाँ। तो फायदा ही क्या अच्छा एक अच्छा एक सेगमेंट होता है इसमें जिसमें हम ऑडियंस के कमेंट्स लेते हैं अभी वो कर लेते हैं नए है ना

तो बंदे चाहते हैं कि बंदा आए मतलब दिल से बहुत लोग चाहते हैं यार इस बंदे को कि ये एग्जैक्टली हाँ बंदा बहुत ज्यादा अपने खून के भी मतलब, पड़ा रहता मतलब है मतलब एग्जैक्टली exactly, सीधी हाँ, मतलब बात है। इतनी है कि जितनी मॉक्सली की पूछ है इतनी उनकी नहीं है इस वजह से और कोई इसका क्या आंसर सही बात है पता है मेरे को क्या लगता है मेरा मेरा एक ब्रूटल पे ऑनेस्ट थॉट ये है कि एक्चुअली मॉक्सली इसलिए ट्रेंड में क्योंकि है क्योंकि रोमन टॉप पे ठीक है और वो शील्ड वाला जो कनेक्शन है ना इस वजह से उसको थोड़ा सा देखा जाता है कि हाँ भाई शील्ड का ही बंदा हाँ, था हाँ, हाँ। तो मतलब रोमन के अगेंस्ट उसको देखा जाएगा तो एक फ्रेशनेस दिखती है उस चीज में कि हाँ शील्ड का बंदा क्योंकि इसी के साथ ये बंदे ने अपना करियर चालू किया है तो ये बंदा इसकी कमजोरियां भी जानता जानता है है जैसे कि सेतर जानता है। तो क्या पता मॉक्सली का भी कुछ चांस हो चास्सलिए मॉक्सली की हाइप है मेरे हिसाब से अगर रोमन की इतनी हाइप नहीं होती तो मॉक्सली भी मेरे हिसाब से वैसे ही होता है और मॉक्सली ने उखाड़ा है यार मतलब शील्ड में रहके कुछ उखाड़ा है उन नाम है और वो ऐसा है कि उन सबकी अलग अलग अपनी अपनी भी आइडेंटिटी थी ऐसा नहीं कि वो सिर्फ शील्ड की वजह से मेम्बर है उन्होंने अपने ने भी इंडिविजुअल पर्सनालिटीज अच्छी डेवलप की हैं और जैसे ये ट्राइवल तो देखो आप ही कितना इनको वापस देखने के लिए डब और वहीं जॉन मॉक्सली की बात आती है तो फिर है ना काफी बड़ा डिफरेंस आ जाता है उन वैसे तो आप स्टिंग वगैरह तो यार रिटायरमेंट वाली स्टेज पे हैं सारे ठीक है और सीएम पंक की तो बात ही रहे कौन ही करना चाहेगा कि क्या आए जाए छोड़ो

पहले मुझे बहुत अलग लगती थी है। मुझे लगता था सामने वाला का इंटरव्यू लेना अब मुझे लगता है यहाँ पे वॉर ऑफ थॉट्स होती है अनफिल्टर्ड वॉर ऑफ थॉट्स बिटवीन जो बंदे मतलब जैसे हम रेसलिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर बंदे जो कि एक साथ कंफर्टेबल फील करते हो वो एक कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं ठीक है हाँ और वो बिल्कुल उसको खुल के उसके बारे में बात कर रहे हैं वही एक पॉडकास्ट है प्रॉपर बाकी सारे इंटरव्यूज होते हैं मेरे को पॉडकास्ट प्रॉपर वही लगते हैं जहाँ पे सब बंदे इक्वल हो हाँ। हर बंदा इक्वल हो और वो बस डिबेट कर रहे हो उधर बात कर रहे हो पॉडकास्ट बेसिकली ऐसा होना चाहिए कि अगर तुम मतलब right, मतलब right, right. हम पांच जो जो भी लोग कर रहे हैं अब जो उसे अगला बंदा सुन रहा उसे लगे वो इस चीज का पार्ट था इंस्टेंट में जैसा होता है ना कि स्कूल ग्रुप या कॉलेज ग्रुप हम लोग बातें कर रहे हैं दोस्तों में के तो अगर वाइब आ रही है ना दोस्त वाले की हम आपस में बात कर रहे हैं तो आई थिंक वो चीज पॉडकास्ट है इंटरव्यू तो थोड़ा वो होता है ना थोड़ा कहते हैं फॉर्मल टाइप से थोड़ा वो होता है एकदम

क्या जौन सीना क्या करेंगे तो इसका शॉर्ट में सब जल्दी जल जल्दी आंसर दे देना ठीक है सारे मेरे हिसाब से हॉलीवुड हॉलीवुड चले जाएंगे और और तो क्या टाटा गुड बाय हॉलीवुड सिंपल मुझे लगता है हॉलीवुड जाएंगे फिर समर स्लैम के लिए एक मैच के लिए वापस आएंगे हम्म बस यही है हम्म हम्म बस ये और क्या करेंगे और श्रेयांश भाई लास्ट क्वेश्चन है भाई फेंट रिटर्न करेंगे क्या प्लीज पिक माई क्वेश्चन यहाँ भाई ये अंकित ये अंकित बताएगा हाँ, बता लायक नहीं है ज्यादा बस rumors. एक्चुअली अभी एक रूमर या रिपोर्ट कुछ सामने आई थी उसके बारे में बता दो थोड़ा सा

नहीं फीन, नहीं यार भाई ब्रेवाइट ठीक है है की बात हाँ, ना, ना भाई फक ब्रेवाइट मैन नहीं चाहिए भाई वो ना मुझे भाई आई डोंट नहीं बन सकते अब आप ठीक है जाओ भाई। अरे ये क्या बोल रहा है अरे वॉन्डर टेकर है ही वॉन्डर टेकर है ही कहा आगे। आगे। भाई वो कोशिश कर रहा है भाई वो मतलब तुम उससे भी ज्यादा उसको कार्टूनिफाई कर रहे हो भाई कि मेरे अंदर आत्मा है ये कुछ नहीं है जब वापस आया था एक धीरे धीरे जब रिवील हो रहा था तो वो हार्ट बीट बढ़ रही थी तो वो ब्रे वायर था भाई इन्होंने डिस्ट्रॉय किया मैं मान रहा हूँ एग्री ठीक है अगर तुम उसके एक्सट्रीम रूल्स की रिटर्न देख रहे थे तो जो हाइप बन रही थी ना वो ब्रेव वाइट था ये जो नया अंकल हाउडी बता नहीं क्या-क्या ले आए वो खराब कर दिया हाँ। एक नहीं लेकिन अंडरटेकर exactly. और ब्रेव वाइट सिक्के के भाई दो पहलू हैं जो कभी सेम हो ही नहीं सकते अंडरटेकर इज जस्ट अ लेजेंडरी गिविक

वो डिप्रेशन में तो है और बात ये है कि जो तुम बात बोलो ना साइकोपैथ वो था मैन काइंड का जो करेक्टर था वो था तो अलग ही दुनिया है आज के युग में भाई वो काम नहीं करने वाला आपका आप रहने दो आपको पुराने जो ब्रेवाइट थे वो वापस ले कर जाता ये काम कर जाता अगर अंकल हाउडी ना डालते अंकल हाउडी बोर्ड से अगर हो जाता ये काम कर जाता लिटरली हाँ, लेकिन ये लोग ये अंकल हाउडी एक तो बदले जा रहे हैं पता नहीं कितनी बार बदल रहे हैं कभी वो मोटा हो जा रहा है कभी एकदम सूखा सा पतला हो जा रहा है अच्छा रेसल मैंने 39 के पूरे कार्ड पे नाइट वन, नाइट अपने टॉप मैचेस मैचेस बस जल्दी जल्दी बता दो कौन किस, कौन से मैचेस के लिए

मेरा ऑलमोस्ट लंकित वाला सेम रोमन कोडी और बैलर वाला अहलेनेसल क्योंकि उसमें डीमन है और तीसरा ऑफ कोर्स सेमी केओ हूं मेरा भी एग्जैक्ट सेम नयन का कोई डिफरेंट है तो बता सकते हैं अह मेरा रोमन कोडी रहेगा लोगन सेट रहेगा और उसके अलावा बैलर और हमारे एज मैच। का मैच रियल रिप्ले वाला मैच अच्छा वाला मैच मम्मी का भी एंड एट दी एंड इस पॉडकास्ट को रैप अप करते हुए मैं जो हमारे गेस्ट हैं तीनों उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि तुम सब ही यार बहुत ही कमाल का काम करते हो और मेरा ये क्वेश्चन है कि इतना फास्ट कैसे कर लेते हो सारा काम और टाइम मैनेजमेंट इतना तगड़ा कैसे तुम तीनों का एक टाइम मैनेजमेंट मुझे नहीं लगता है कि तगड़ा हमें से किसी का भी अरे मेरा स्पेशली नहीं है क्योंकि हाँ। वीडियो बजे बनाने उसका सोचते हैं कितने बजे छह बजे हम लोग मैं रोहन दोनों जाते हैं वीडियो में, हाँ। एक ही टाइम पे जाते हैं इस, इसकी वीडियो आएगी सात बजे मेरी साढ़े साथ में कभी सात बजे मतलब जिस टाइम पे हम लोग सोचते हैं उस टाइम पे वीडियो अपलोड नहीं होती है तो शायद मेरे हिसाब से हम लोग पहले सोच के चलते हैं कि चार बजे अपलोड करेंगे तब पांच बजे होती है कंसिस्टेंसी काफ़ी मेंटेन करके इसका रीजन क्या है पैसा रीजन है या फिर इसका रीजन कुछ और है इसका रीजन है कि व्यूज कम आ रहे थे तो हमने सोचा <laughs> तीन वीडियो डाल के इक्वल कर लेंगे वही रीजन है मेरे भाई अंकित अंकित इतना सच भी नहीं बोलना था भाई ज्यादा सच्चाई हो गई क्या ज्यादा सच्चा हो गई था <laughs> भाई एंड एट लास्ट यार एक चीज बता दो कि तुम्हें आ, इंडिया के नंबर वन पॉडकास्ट चैनल पे आके कैसा लगा <laughs> भाई मुझे हाँ। बहुत अच्छा लगा आज से पहले ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ तो इसके लिए शुक्रिया आपका एंड आई होप कि अभी मेरे हंड्रेड के तो हो ही जाएंगे इस पॉडकास्ट के बाद बिल्कुल <laughs> बिल्कुल का नहीं, नहीं होता है नंबर वन चैनल इंडिया का नंबर वन चैनल हमारा भी वैसे ही है नंबर भी नहीं हमारा भाई हमारे यूनिवर्स में नंबर वन है भाई काफी बातें कर ली हाँ, बट हाँ, अभी भी एक, आ, एक और चीज बोलूंगा बस जाते जाते एक चीज बोलना चाहूंगा इस पे अगर अच्छा रिस्पांस आया तो इन तीनों को फिर से परेशान करेंगे एंड आफ्टर मैथ के बारे में बात करेंगे जस्ट आफ्टर रेसल मीनिंग इसपे अगर इस पे अगर एक लाइक टारगेट रख लो उसके बाद अगर हो जाएगा तो इंडियन नेशनल कम्युनिटी को एक्सपोज करेंगे

रसल मीना थर्टी नाइन के लिए मुझे पता है आप एक्साइटेड हो हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं अब आपको हम पाँचों के ही चैनल्स पर सुबह सुबह रात अभी तो रसल टाइम है मतलब वीडियोस की ऐसी बारिश देखने को मिलेगी तो सबके सब के, के साथ चिपके रहो और अगर अभी भी आपको लगता है कि यार थोड़ा सा मज़ा रह गया है तो कोई बात नहीं हम इन सब को एक एक करके फिर से बुलाएंगे बहुत सारी बातें करेंगे और आपको और भी ज़्यादा मज़े देंगे एंटरटेन करेंगे तो इसी के साथ आगे। और हाँ कॉमेंट्स कर देना ठीक है अगली पॉडकास्ट के लिए किस टॉपिक पर देखना चाहते हो पूछना चाहते हो कुछ भी नए और मैं होंगे हमेशा की तरह गप्पे मारने के लिए रेडी तो इसी के साथ रैपअप करते हैं ख़त्म टाटा बाय बाय गुड नाइट और सुबह उठ जाना फिर रस्सी देखने, देखने के लिए हम ज्यादा बोलते नहीं। हम ज्यादा बोलते नहीं एक्चुअली वो मतलब कि एडिटर खुद अपने हिसाब से जैसे उसको लगता है वो पे उसका खुद का विज़न रहता है, है। हां जैसे यार मतलब बात है मतलब वो भी यार ये चैनल का मतलब जितना हमारा उतना ही उसका भी है हमने

भाई, तुम्हारे एडिटर का मेहनत भाई I'm sorry भाई, मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ <laughs> भाई एडिटर एक पता है वो बड़ा फास्ट काम करता है यार एक ही, मतलब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें एक ही दिन में, कुछ ही घंटों में कर देता है। भाई वो एक रात में कर देता है भाई वो तीन बजे तक एडिट कर रहा है बंदा एक दिन और तीन बजे करके पूरा फाइल भेजा है एक बार बीमार था यार,